दान कट्ठा देन करने वास्ते कंपनियां हायर की जा रही हैं। इतिहास पहली बार देखने को मिल रहा कि साडे गुरुआ का जो सिद्धांत है दसवंध की जो साडी परंपरा हैगी है उन्होंने छिके टांके हुण कंपनियां कमीशन के उत्ते पैसा कट्ठा करके देनगियां। तुसी अपने आप ही एडमिट कर लिया कि जी दो परिवार नूं तुसी सरोपा पाया, खुद कहा कि जी इन्हां कोल सेवा आई है महाराज की, हुण दूजा बंदा खड़ा हो गया कि जी अमिताभ बच्चन की मैं सेवा की है, यानी कि दो बंदे एक माल तो दो बंदे खड़े हो गए, एक चीज दो जगह पेमेंट आई है, पेमेंट कितने गई। इन्हों भगौड़े नहीं होना चाहिए सर, इन्हों पहले कार्यकारिणी के जोड़े मिनट्स है जनरल हाउस की मीटिंग है वो देने चाहिए है, और जो एक्ट कहता एक्ट के मुताबिक मीटिंग भी कॉल करनी चाहिए है। गुरु दे गोलक गरीब का मोह तो ये हम दसवंध कंपनियां दे रहे हैं। मैं लख रुपया अगर इतने देना है गुरुद्वारे तो 8,000 रुपये तो कंपनी लै गई, मेरा दसवंत जिहड़ा उहदा दसवंत कंपनी कमीशन लै, और अज तक इतिहास च नहीं होया। जिहड़े 21-21 मैंबर तुसीं दस रहे हो पर मौजूद नहीं है तुहाडे नाल, अज तुसीं जिहड़ा कह दिए कि एक धड़े दे मैंबर, हालांकि जिहड़े दो जिहड़े ने पहले दूसरे धड़े च सीगे पर फिर भी सारे मैंबर मौजूद किए ने। पूरा एक साल तो वध समा हो गया, ना कार्यकारिणी की मीटिंग हुई ना जनरल हाउस होया, जिहड़ा कि एक्ट के मुताबिक हर महीने कार्यकारिणी की मीटिंग ते साल दे विच हर 3-3 महीने बाद जिहड़ी जनरल हाउस की मीटिंग होनी जरूरी है। इन्होंने आचार संहिता दीयां धज्जियां उड़ातियां, इतने वड्डे वड्डे डिसीजन विदाउट एनी कंसल्टेशन, विदाउट एनी एग्जैक्टिव मीटिंग, विदाउट एनी जनरल हाउस मीटिंग। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। तुसी देख रहे हो अकाल चैनल, इस टाइम मौजूद हैगे असीं दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के दिल्ली के दफ्तर दे विच, साडे नाल चार मौजूदा मैंबर जिहड़े ने ओह इत्थे मौजूद ने जिहड़े कि अज एक मंग पत्र देण आए ने दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के जनरल सैकटरी और प्रधान साहब नूं। उहनां तों जानकारी विषय की जानकारी लैंदे हैं की है। साडे नाल कुलवंत सिंह बाठ ने और हरिंदरपाल सिंह जी ने, कालरा साहब ने और विक्की जी ने इत्थे सारे मौजूद ने, इहनां नाल गलबात करदे हां। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। अज दिल्ली सिख गुरद्वारा प्रबंधक कमेटी दे प्रधान सकत्तर नूं एक मंग पत्र देण वास्ते दिल्ली दे चुने हुए 21 मैंबरां दे वल्लों असीं इत्थे पहुंचे हैं। इस तों पहलां भी कई बार असीं कार्यकारिणी की मीटिंग की मंग की है, जनरल हाउस की मंग की है, और मैं दसना चाहुंदा लगभग पूरा एक साल तो वध समा हो गया ना कार्यकारिणी की मीटिंग हुई ना जनरल हाउस होया, जिहड़ा कि एक्ट के मुताबिक हर महीने कार्यकारिणी की मीटिंग ते साल दे विच हर 3-3 महीने बाद जिहड़ी जनरल हाउस की मीटिंग होनी जरूरी है, लेकिन लंबा समा हो गया कोई मीटिंग नहीं की गई। अज असीं आर्टिकल 17 जिहड़ा GSEMC एक्ट है उहदे मुताबिक 1/3 मेजोरिटी दे नाल असीं अज 21 मैंबर ने जिहड़े साइन करके जनरल हाउस बुलाने की मांग की है, और असं आस करते हैं कि बहुत जल्दी जनरल हाउस बुलाया जाएगा, क्योंकि बहुत सारिया गल्लां जिहड़ियां उह सामने पिछले समय के आईया, चाहे वह खर्चिया नूं लैके होवे, चाहे वह अपने जिहड़ा साडा दिल्ली कमेटी का दायरा है उस तो बाहर जाके कम करन दी गल होवे, या आपां बहुत सारे आरोपां दी गल करिए, या बहुत सारिया आपां उन्हां गल्लां दी गल करिए कि कलैरिटी नहीं है संगत दे विच, संगत जिहड़ी है सवाल पुछदी है, लेकिन चुने हुए नुमाइंदे क्योंकि किसी भी गल की जानकारी दिल्ली कमेटी वालों सानू नहीं मिल रही, सानू जवाब देना औखा है। सो मैं अज सारे अपने मैंबरां दे साइनां नूं करवा के असीं चार मैंबर अज इत्थे पहुंचे हैं, और असीं आस करते हैं, आस दे नाल अपील भी करांगे प्रधान सकत्तर नूं कि तुरंत जिहड़ा जनरल हाउस बुलाया जाए। ये अज 21 मैंबर के जोड़े साइन हुए है, भी मैंबर ने ये साइन करके दते है, एक मैंबर 21वां जिहड़ा वो मौके पर इतने है नहीं सी, उन्होंने अपना चिट्ठी जिहड़ी है लिख के भेजी हैगी है, तो टोटल 21 मैंबर ने अज इस मंग नूं प्रधान और सकत्तर साहब के सामने रखिया। जी मैं जो 21-21 मैंबर तुसी दस रहे हो पर मौजूद नहीं है तुहाडे नाल, अज तुसी जिहड़ा कह दिए कि एक धड़े दे मैंबर, हालांकि जिहड़े दो जिहड़े ने पहले दूसरे धड़े च सीगे पर फिर भी सारे मैंबर मौजूद किए नहीं है जी, उन्होंने साइन इत्थे कोई धड़ा नहीं है। देखो दिल्ली सिख गुरुद्वारा कमेटी का जिहड़ा भी मैंबर चुनिया जाता वो दिल्ली गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी का मैंबर घोंदा है, इहदे च कोई पार्टी का सवाल नहीं है, कोई धड़े का सवाल नहीं है, कोई सियासत का सवाल नहीं है। हर मैंबर का अधिकार हैगा कि वह अपनी गल नूं प्रधान सकत्तर, क्योंकि मैंबरों वालों ही प्रधान सकत्तर नूं चुनिया जाता है, और अगर मैंबर इस चीज़ की मांग करते आए हैं, मैं समझदा कि इन्हां नूं भगौड़े नहीं होना चाहिए सीगा, इन्हां नूं पहले ही कार्यकारिणी के जोड़े मिनट्स है जनरल हाउस की मीटिंग है वो देने चाहिए है, और जो एक्ट कहता एक्ट के मुताबिक मीटिंग भी कॉल करनी चाहिए है, लेकिन इन्होंने नहीं की, और अज बिना किसी सियासत तो बिना किसी धड़े तो
चाहे वह किसी भी पार्टी के नाल संबंधित मैंबर हैगा, जिहड़े मैंबर चाहते हैं कि यह जनरल हाउस होना चाहिए, वो वो मसले विचारने चाहिए है, जिन्हां वल सिख संगत जिहड़ी है अखां लगा के देख रही है, टकटकी लगा के देख रही है कि जो सोशल मीडिया के उत्ते बहुत सारे चाहे अमिताभ बच्चन का मसला होवे, चाहे जिहड़े फंड रेजर कंपनियां दे नाल एग्रीमेंट किए है दान कट्ठा देन करन वास्ते कंपनियां हायर कीतियां जा रही, इतिहास च पहली बार देखने मिल रहा कि साडे गुरुआं दा जो सिद्धांत है दसवंध की जो साडी परंपरा हैगी है उहनूं छिक्के टांके हुण कंपनियां कमीशन दे उत्ते पैसा इकट्ठा करके देणगियां। सो इन्हां सारे मुद्दिआं नूं विचारन वास्ते साडा हक बणदा कि असीं जनरल हाउस की मंग करिए, और वह मंग असीं अज कीती है। ਜਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਤੜ ਜਾਣਾ ਚਾਹਾਂਗੇ, ਇਸ ਟਾਈਮ ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਹਜੇ ਦਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜੇ ਆ ਪੋਸਟਪੋਨ ਹੋਏ ਆ, ਹੈਨਾ, ਕਿਸੇ ਜੋ ਕਿ ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਕਰਕੇ ਇਸ ਟਾਈਮ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਚਾਰ ਸੰਹਿਤਾ ਵੀ ਲਾਗੂ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਜਨਰਲ ਹਾਊਸ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕਿਸ ਲੈਵਲ ਤੇ ਕੀਤੀ? ਬਸ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਮੇਰੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਆਚਾਰ ਸੰਹਿਤਾ ਲਾਗੂ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਆਚਾਰ ਸੰਹਿਤਾ ਸਿਰਫ ਸਾਡੇ ਤੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਆਚਾਰ ਅੰਤ ਜਿਹੜੀ ਕੋਡ ਆਫ ਕੰਡਕਟ ਹੈ ਉਹ ਮੇਨ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਇਹਨਾਂ 'ਤੇ ਹੈ, ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਚਾਰ ਸੰਹਿਤਾ ਦੀਆਂ ਧੱਜੀਆਂ ਉਡਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ, इतने वड़े वड़े डिसीजन विदाउट एनी कंसल्टेशन विदाउट एनी एग्जैक्टिव मीटिंग विदाउट एनी जनरल हाउस मीटिंग, तो यही इसी कंसर्न है साडा। ये जिहड़ी गल हुणे बाट साहब ने कही है फंड रेजिंग कंपनीज, सानू तो गुरु ने दसवंत दिता सी कि अपना दसवां हिस्सा इनकम का दियो, ये गोलक दिती सी गुरु दी गोलक गरीब दा मोह, तो यह हम दसवंत कंपनियां नूं दे रहे हैं। मैं लख रुपया अगर इत्थे देना गुरुद्वारे तो 8000 रुपये तो कंपनी लै गई, मेरा दसवंत जिहड़ा उहदा दसवंत कंपनी कमीशन लै, और अज तक इतिहास च नहीं होया। 1925 तो श्रोमणी कमेटी है, मैं 15 साल श्रोमणी कमेटी का मैंबर रहा, हुण भी असीं देख रहे हैं श्रोमणी, उत्थे कदी इस तरह की गल नहीं हुई। और इत्थे मैं हैरान हाँ कि गुरद्वारा प्रबंधक कमेटी का सिर्फ कम फंड रेजिंग है, होर कोई नहीं है। कुछ ऐसे मसले ने जिहड़े जिन्हां मसलियां दा बड़ा जरूरी सी कि सारे बैठ के उन्हों विचार कर दे कि ये चीज फंड रेजिंग है, वो तो काम तो कर काम भी नाल चल रहे, कोविड केयर सेंटर एड्डा वड्डा खोले है, बिना माया दे तो पॉसिबल ही ना हो सकता। कह रहे हैं पहली गल तो कि तुसी समझदे हो कि अज कोई होर इत्थे दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी दे विच मैनेजमेंट विच हुंदा ते यह काम नहीं चलते हुंदे? ये काम तो चलने सी, दिस इज द पार्ट ऑफ गुरुद्वारा, ये साडी इंस्टीट्यूशन दे काम ही यही ने, सेवा सेवा तो बाद दूजा कोई काम ही नहीं हैगा। सवाल यह है कि वह सेवा करते हुए ना तो तुसी एक्ट नू वायलेट कर सकते हो, ना तुसी ट्रेडिशंस नू वायलेट कर सकते हो, ना मर्यादा नू वायलेट कर सकते हो, और ये तीनों चीज़ा वायलेट हो रही हैं, एक्ट भी वायलेट हो रहा है, मर्यादा भी वायलेट हो रही है, और पावरस नू भी वायलेट कर रहे हैं। तो उसलिए असी कोई सड़कों पर नहीं जा रहे, असी तो कह रहे हैं बैठो जनरल हाउस बनाओ, कुछ विचार करिए, ना असी कोई झगड़ा करना है, विचारों का आदान प्रदान करना है, असी उसलिए जनरल हाउस से या एग्जैक्टिव मीटिंग की गल कर रहे हैं। करतार सिंह विकी चावला जी तुहाडे जनरल हजे उही सवाल है कि भी कि जब आचार संहिता भी है इलैक्शन एक उन्होंने पोस्टपोन है तो जनरल हाउस बुलाने दे ਕਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਗਾਈਡਲਾਈਨਸ ਜਾਂ ਕਿਹੜੇ ਆਰਟੀਕਲ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ? ਐਕਟ 17 ਨੰਬਰ ਐਕਟ ਹੈਗਾ ਸਾਡੇ ਡੀਜੀਐਮਸੀ ਇੱਕ, ਜਿਹੜਾ 1971 ਆ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟਰੀ ਐਕਟ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ 17 ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਸਾਈਨ ਚਾਹੀਦੇ ਜੀ, 17 ਦੇ 1/3 ਮੈਜੋਰਟੀ, ਅਸੀਂ 21 ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਸਾਈਨ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਮੈਂਬਰ ਹੈਗੇ ਨੇ ਇੱਕ ਦੋ। ਅੱਛਾ, ਹੈਗੇ ਨੇ? ਹਾਂਜੀ ਸਰ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਮੈਂਬਰ। ਔਰ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ, ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ 21 ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਸਾਈਨ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, 21 ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਸਾਈਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਸਰ ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਾਊਸ ਕਿਉਂ ਬੁਲਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ, ਅਗਰ ਇਹ ਸਹੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਸੇਵਾ ਜਿਹੜੀ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਰ, ਸੇਵਾ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਸੇਵਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਸੇਵਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਵੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਸੇਵਾ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਰ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਗੁਰਸਿੱਖ ਹੈ ਆਪਣੇ ਦਸਵੰਧ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਹਰ ਬੰਦਾ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਘਰੋਂ ਲੰਗਰ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇ ਰਿਹਾ ਆਪਣੇ ਦਸਵੰਧ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ, ਤੁਸੀਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਲਗਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਅਸੀਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਲੈ ਕੇ ਬਾਹਰ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਬੈਠੇਗਾ ਸੀਟ 'ਤੇ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਏਗਾ, ਫਰਕ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸੇਵਾ ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਦੂਜੀ ਤਰਫ ਲਿਆ ਰਿਹਾ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਪਕੜਨ ਦੀ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਵਾਬ ਪੁੱਛਦੀ ਹੈ ਨਾ ਜੀ ਇਹ ਕੰਮ ਕਿਉਂ ਆਇਆ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਐਡਮਿਟ ਕਰ ਲਿਆ ਕਿ ਜੀ ਦੋ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸਰੋਪਾ ਪਾਇਆ, ਖੁਦ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਸੇਵਾ ਆਈ ਹੈ ਐਮਆਰਆਈ ਦੀ, ਹੁਣ ਦੂਜਾ ਬੰਦਾ ਖੜਾ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਜੀ ਅਮਿਤਾਭ ਬੱਚਨ ਕੀ ਮੈਂ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਦੋ ਬੰਦੇ ਇੱਕ ਮਾਲ ਤੇ ਦੋ ਬੰਦੇ ਖੜੇ ਹੋ ਗਏ, ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਮੈਂ ਦੋ ਜਗ੍ਹਾ ਪੇਮੈਂਟ ਆਈ ਆ, ਪੇਮੈਂਟ ਕਿੱਥੇ ਗਈ? ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਫਿਰ ਐਕਟ, ਅਗਰ ਤੁਹਾਡਾ ਐਕਟ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਦੀ ਫੰਡ ਰੇਜ਼ਿੰਗ ਕਦੀ ਅਜੇ ਤੱਕ ਹੋਈ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਫੰਡ ਰੇਜ਼ 100 ਰੁਪਏ ਲਵੋ 10 ਰੁਪਏ 8 ਰੁਪਏ ਉੱਥੇ ਦੇ ਆਵੋ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਮੈਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਸੁਣਿਆ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਬੂਤ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ? ਹਾਂਜੀ ਸਰ 100% ਪ੍ਰੂਫ ਤਦ ਹੀ ਖੜੇ ਹੋਏ ਆ ਇੱਥੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਜੀ ਕੋਵਿਡ ਕਰਕੇ ਖੁਦ ਮੰਨ ਵੀ ਗਏ ਨੇ, ਹਾਂਜੀ ਹੈਗੇ ਜੀ ਬੈਂਕ ਅਕਾਊਂਟ ਖੋਲੇ ਹੋਏ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੰਬੇ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਅਕਾਊਂਟ ਨੰਬਰ ਤੱਕ ਆ ਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਸਭ ਕੁਝ ਹੈਗਾ, ਬੈਂਕ ਅਕਾਊਂਟ ਹੈ, ਯੈਸ ਬੈਂਕ ਦਾ ਅਕਾਊਂਟ ਹੈਗਾ, ਸਭ ਕੁਝ ਆ ਗਿਆ, ਬੰਬੇ ਬ੍ਰਾਂਚ ਬ੍ਰਾਂਚ 'ਚ ਖੋਲਿਆ, ਉੱਥੇ ਦਾ ਅਕਾਊਂਟ ਨੰਬਰ ਤੱਕ ਆ ਗਏ ਨੇ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫੰਡ ਰੇਜ਼ਿੰਗ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਜੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕਿੰਨੀ, ਸਭ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ।
यानी कि भावे आचार संहिता लागू हो ना लागू जो 21 मैंबर ने कहता या थमन थन मजोड़ी ने कहता तो जनरल हाउस बुलाया जा कोई बिल्कुल बुला सकते हैं सर। देखो अगर अज आ चले गए असं कि हिसाब पूछा पिछला अगर अज नहीं दे रहे अगर जनरल हाउस नहीं बुलावेंगे एक साल तो पहले ही नहीं बुला पाए सवा साल तो है बुलाते ही नहीं ने बोलने के बाद हूँ तो पहले इन्होंने को ऐसे जी मैंबर इकट्ठे नहीं ने अलग अलग बिखरे हुए जी सब इकट्ठे हो गए नहीं जी यह गलत काम हो रहा रोकना चाहिए गुरु घर की मर्यादा खराब हो रही है। सुखबीर सिंह कालरा साहब तुहाडे तो जानना चाहवांगे कि वाकई तुसी संजीदा हो इस मुद्दे ते या कि राजनीति नाल प्रेरित कदम हैगा क्योंकि सिर्फ आपां कह दईए कि जिहड़े तुसी चार जिहड़े मैंबर हो तकरीबन या तो श्रोमणी अकाली दल दिल्ली सरना पार्टी नाल जुड़े जोड़ के देखा जा सकता हैगा तुसी मानदे हो कि राजनीति नाल प्रेरित है या वाकई नहीं जी इहदे च कोई राजनीतिक नहीं है इत्थे सिख कौम च गुरद्वारा श्रोमणी अकाली दल दे सब नूं सेवा करन दा हक है उस इत्थे पार्टीबाजी नहीं हो रही कोई राजनीति नहीं है इक्की मैंबर ने साइन किए ने जिहड़े कि जनरल हाउस मनाना चाहते हैं और कार्यकारी जो कमेटी है इन्हें जो कि हर महीने होंगी है जो भी बिल पास है वो करने चाहिए इन्होंने कमेटियां बना के जो दसवंध है वह बाहरलियां कंपनियां नूं दे रहे हैं ये गुरु की मर्यादा के खिलाफ हैगा ये काम इस तरह नहीं होने चाहिए जो कि ये अपने प्रधान साहब सैकटरी साहब कर रहे हैं इन्हों की साढ़े अक्स तो खिलाफ हैगा इन्हों इस तो बाहर नहीं जाना चाहिए ये इन्हें साड़ा जो दसवंध है उनका नुकसान हो रहा है और साडा पूरा हक है कि जनरल हाउस कमेटी की मीटिंग होनी चाहिए है और इन्होंने सामने इकट्ठे करके उन्हें जो है वो अपने सवाल दसन असी उन्होंने जवाब पूछांगे कि रुपया किधर आया किधर किधर खर्च होया सारी पूरी डिटेल सानू सारे हिसाब दिते जाने चाहिए। एक ही मैंबर साइन है खाली अकाली दल दिल्ली के बंदे नहीं ने सारे मैंबर ने सर इन्हों के भी मैंबर ने नॉमीनेट मैंबर भी ने सारे मैंबर साइन है अगर साढ़े तो चार ही थी या पांच थी तो बाकी सारे मेंबर भी जुड़ गए ना एक ही मेंबर के अंदर चिट्ठी दी गई है कि कुछ इस ऊपर तुम्हें लगता सुनवाई हुई ऐसी जनरल मैनेजर चिट्ठी दी है उन्होंने कहा कि जो भी कार्रवाई होगी मैं अपने प्रधान और सकत्र ना गल कर लेना थोड़ा लैटर पहुँचा दाँगा वो है नहीं है इतने दोनों तो लैटर दे दाँगा जैवें ही आने के तुम अगे जो होगी कार्रवाई दसांगे बिल्कुल लगातार तुम्हें जोड़े दिल्ली सिख और प्रबंधक कमेटी के दफ्तर के मौजूद है जनरल हाउस की मीटिंग की डिमांड जी है एक ही मैंबर वालों एक चिट्ठी दे के साइन करके की गई हैगी है देखना हैगा कि हूँ क्योंकि एक पासे चार संहिता लागू है इलेक्शन पोस्टपोन होए हुए ने ते की जिहड़ा है समय दे विच जिथे कि कोविड की महामारी भी चल रही है कि जनरल हाउस की मीटिंग जिहड़ी है बुलाई जाएगी या नहीं या कितने कोविड महामारी करके पॉसीबल है या नहीं सो सारे सवालों का जवाब समय आने मिलेगा। तुसीं देख रहे हो काल चैनल।